गुड इवनिंग एवरीबडी। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एक तो फालतू के टॉपिक्स कुछ कुछ कर लिए थे, मतलब फालतू नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इनको थ्योरी में फिट करना मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा क्लास लेने के बराबर होता है। और ये सब पॉलिनोमियल का पार्ट है, धीरे धीरे हम लोग पॉलिनोमियल भी पढ़ते जा रहे हैं। मैं बोला था पहले क्वाड्रेटिक करेंगे फिर पॉलिनोमियल करेंगे, तो क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट हुआ बट यहाँ पॉलिनोमियल डिस्कस करना जरूरी हो गया था। अभी तक हम लोग नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़े हैं ना, बेसिकली देखते हैं। आज हम लोग रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो पहला हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं आपको पहले से रूट बता देता हूं कि अगर मेरा अल्फा और बीटा दोनों रूट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हो इस तरीके से ना, मल्टीप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर मैं आपको रूट्स बता देता हूँ पहले से कि अल्फा बीटा गामा है तो आप क्यूबिक इक्वेशन बहुत आसानी से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा तो पहले से ही बता दिया जाएगा, बोला जाएगा इस तरह से कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका रूट जो है आपका अल्फा और बीटा है। तो आपको क्या करना रहेगा, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ही, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को ही यूज करते हुए, इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को ही यूज करते हुए है ना, ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड या राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स आर समथिंग से 2 इंटू अल्फा एंड 2 इंटू बीटा है ना। आपको अल्फा बीटा बताया गया है कि इस इक्वेशन का रूट क्या अल्फा बीटा है, और वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा है। सो यूजुअल प्रोसेस हमारा क्या है, यूजुअल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ऐसा सवाल आप लोगों ने बनाया भी है, क्लास 10th में भी बनाया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देन यू राइट अल्फा इन टू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। नाउ फॉर न्यू इक्वेशन वी राइट सम ऑफ रूट्स दैट इज 2 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कैन बी रिटेन एज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स बी बाई ए।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा नए इक्वेशन के लिए, 2 अल्फा टाइम्स 2 बीटा हम लोग लिखते हैं और ये बन जाता है 4 टाइम्स अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है आपका, सी बाई ए है। सो आप सी बाई ए यहाँ पे रख देते हैं। नाउ न्यू इक्वेशन बहुत आसानी से लिखा जा सकता है अपने थ्योरी से कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज माइनस 2b/a एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4c/a इक्वल टू 0। और यहां पे आपका क्या मिल गया, a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाता है, न्यू इक्वेशन हो जाता है ना, ये मेरा न्यू इक्वेशन हो जाता है। इस क्वेश्चन तक ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट विल हैपन इफ द न्यू रूट्स आर अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मीन्स नॉट सिंपल एज 2 अल्फा और 2 बीटा। हो सकता है कि आपका रूट्स, जो नया रूट दिया गया हो, वो इस तरह का हो, α -2 / α+1 β - 2 / β+1, इस तरह का है ना। या यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रूट्स सिर्फ 2 है, यू वेर आस्क टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस दैट्स वाई इट वॉज क्वाइट ईजी। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको क्यूबिक पूछा जाए, बाई क्वाड्रेटिक पूछा जाए, है ना, जिसमें रूट में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस किया गया हो, तो उस केस में आप सोचो कि अगर हम गामा में नया गामा तीसरा रूट जो हम लोग अगर लिख देते हैं कि γ-2 / γ-1, नो थिंक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इवन द फर्स्ट कोएफिशिएंट, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन दिस केस, सी हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज गोइंग। और अगर दूसरी की बात करें तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना, फिर जाकर के कैलकुलेट करना है, सो कैलकुलेशन ऑफ दिस पार्ट बिकम्स क्वाइट कम्बर्सम। और इस वजह से हम लोग इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, दिस मेथड इज वेरी लिमिटेड, है ना, ये मेरा यूजुअल प्रोसेस जो है ये वेरी लिमिटेड है, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक रहेगा तो काम करना थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, और बाकी चीज रहा तो काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रही बात कि अगर मान लीजिए कि रूट्स ऐसे वैसे होते हैं, तो जो प्रोसेस मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, है ना, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी, उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। सो पहले हम प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हमको लिमिटेशन का पता चल जाएगा। लेट्स सी प्रोसेस। मैं इसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ 2 अल्फा वाले को, है ना, अपने पास इनिशियली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, और इसके रूट्स हमको प्रिस्क्राइब किए गए अल्फा और बीटा। सो न्यू इक्वेशन हमको फाइंड करना है, न्यू इक्वेशन हमें फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि इस इक्वेशन में, है ना, अगर इस तरह की चेंज करी जाए, इस इक्वेशन में जैसे हमको क्या करना है, यहां पे अल्फा स्क्वायर ही रखना है, यहां पे हमको अल्फा स्क्वायर ही रखना है किसी भी तरीके से। तो मैं क्या कहूंगा कि एक्स की जगह पे अगर आप x/2 यहां पे कर दें, और यहां पर भी एक्स की जगह पर अगर x/2 आप रख दें और प्लस c इक्वल टू 0 लिखे ट्राई करें, है ना, ये इक्वेशन को आप थोड़ा सा समझो, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो। हमने सेम इक्वेशन लिखा है, ओनली हमने क्या किया कि x को चेंज कर दिया है x/2 से,
Now this equation, is this equation satisfied with 2 alpha 2 beta? ये जो मेरा इक्वेशन तैयार है, मान लीजिए जो मैंने गैस किया है या ट्रांसफॉर्म किया है एक्स में, ये जो इक्वेशन मेरा तैयार हुआ है, इज वन सेटिस्फाइड बाय टू अल्फा एंड टू बीटा? क्या ये इक्वेशन टू अल्फा टू बीटा सेटिस्फाइड है? चेक करके देखना पड़ेगा ना, चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए चेक करके, अगर हम 2 अल्फा रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बाई 2 प्लस सी, ये एलएचएस है मेरा। और एलएचएस सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन रहा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बन रहा है। और ये क्वांटिटी हम जानते हैं यहां से, है ना, क्योंकि अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई, सो एल एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस, और ये मेरा एल एच एस बन रहा है ना, शुरुआत के इक्वेशन का ये एल एच एस है, एंड दैट्स वाई वी से दैट 2 अल्फा सेटिस्फाइज 1। देयरफॉर 2 अल्फा एज वेल एज 2 बीटा सेटिस्फाई इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन को ये दोनों सेटिस्फाई करता है, मतलब हमें एक्स में कुछ इस तरह का चेंज करना है, एक्स में हमें कुछ इस तरह का चेंज करना है सच दैट नया जो इक्वेशन तैयार हो जाए, है ना, उसमें ये नए रूट एडजस्ट हो गए। तो इसको देखो किस तरह से हम लोग काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? यस। तो देखो इसको कैसे किस तरह से वर्क किया जाता है। इस पे हमने एक्स में अभी दिखाया कि इस तरह से ये काम कर रहा है ना, अब हम लोग प्रोसेस को सीखते हैं। सो आप देख रहे हो कि जैसे आपका 2 अल्फा सेटिस्फाई हुआ वैसे ही बीटा सेटिस्फाई हुआ। सो किसी एक को हम पहला स्टेप जो हम लोग का है इसका वर्क करने का, वो हम लोग बोलते हैं कि टी एक नया वेरिएबल लीजिए और इसको नए रूट के साथ इक्वेट करिए, सेलेक्ट एनी वन रूट, है ना, इक्वेट टी विथ न्यू रूट। स्टेप नंबर 2 क्या है कि फाइंड अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू टी बाई 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, चूंकि अल्फा इक्वेशन को ओल्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अल्फा सेटिस्फाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर टी बाय 2 विल ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, यही स्टेप हो गया। और उसके बाद टी को आप एक्स में चेंज कर दीजिए। कहानी खत्म। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रोसेस अप्लाई करके इसमें देखते हैं, है ना। सबसे पहले आपने कहा कि टी को 2 अल्फा लीजिए, मैंने ले लिया अल्फा, मैंने टी बाई 2 फाइंड कर लिया। आप बोल रहे हैं अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, इसका मतलब टी बाई 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो लेट अस प्लेस टी बाई 2 इन प्लेस ऑफ एक्स।
ए टी बाय टू का होल स्क्वायर प्लस बी टी बाय टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। और अब टी को एक्स में चेंज करने के लिए कह रहा, सो आवर इक्वेशन इज ए एक्स बाय टू होल स्क्वायर, जैसा वेरिएबल कहेगा उसमें चेंज कर देना बस, प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फोर इसमें सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये आपका टू बी एक्स मिल जाएगा और ये आपका फोर सी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। और जैसे ये इक्वेशन आपका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आ गया, आप क्लेम कर दो कि यही आपका इक्वेशन है। और आपने देखा था है ना, ऊपर में जो इक्वेशन आया था वो यही इक्वेशन आया था। इनफैक्ट ये जो हमने गैस किया था कि एक्स बाई टू कर देंगे, एक्स बाई टू कर देंगे है ना, यहाँ पे भी तो एक्स बाई टू ही आ रहा। सो हमने अल्फा के साथ स्टार्ट किया और इनफैक्ट बीटा भी सेटिस्फाई करा, बीटा भी हम लोग रखते तब भी तो यही काम करते ना। सो किसी एक रूट के साथ स्टार्ट करनी है और दोनों रूट के लिए आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसको रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, पूरा का पूरा ही रूट। अब इसमें देखो लिमिटेशन क्या हो सकता है, लिमिटेशन ये है कि पहली बात आपका जो नया रूट होना चाहिए, जो पहला लिमिटेशन जो है इसका, लिमिटेशन नंबर वन, नए रूट जो होंगे अल्फा डैश है ना, अगर ये एफ ऑफ अल्फा है, मतलब एफ एक्सप्रेशन है अल्फा में, तो बीटा डैश भी है ना, अल्फा डैश अगर एफ ऑफ अल्फा है, मस्ट इंप्लाई दैट बीटा डैश भी सेम फंक्शन हो बीटा का, मतलब आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों रूट में होना चाहिए। That is, identical transformation होना चाहिए, identical transformation, ठीक है, पहला इसका limitation है। अगर identical transformation नहीं है तो यह method fail हो जाएगा। जैसे example, अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस आज मेरा ही डिस्कनेक्शन ज्यादा हो रहा तुम लोग से। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये मेरा पहला लिमिटेशन क्या है, आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी देयर, ठीक है। सो अगर मेरा नया रूट जो है, मान के चलो कि 2 प्लस अल्फा है और बीटा में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है वो है बीटा माइनस 2, तो यहाँ पे ये मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड डजंट वर्क, क्योंकि अल्फा और बीटा, अगर इसको आप अल्फा में 2 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे बीटा में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो ये डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दे आर नॉट आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 2 ये है कि अगर मान के चलो कि अल्फा डैश और बीटा डैश में सेम आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट से कि अल्फा डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एंड बीटा डैश
एंड बीटा डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, मतलब देयर इज आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन 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 यहां से हम लोग अल्फा बीटा अगर नहीं फाइंड कर पाए, इफ वी कैनॉट, इफ वी कैनॉट एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश, है ना, इफ वी कैनॉट एक्सप्रेस अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश यूनिकली, दिस मेथड फेल्स। आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू अभिजीत। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर भी अगर हम लोग अल्फा को अल्फा डैश के टर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो ये मेथड फेल हो जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि मेरा अल्फा डैश जो है अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा है, बीटा डैश क्या है मेरा, बीटा क्यू प्लस थ्री बीटा के बराबर है, ठीक है। यहां पर से आप डायरेक्टली अल्फा नहीं फाइंड कर सकते, है ना, डायरेक्टली अल्फा फाइंड करना इसमें मुश्किल है, डायरेक्ट अल्फा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या आप अल्फा फाइंड कर सकते हो इसमें, क्यूबिक है, क्यूबिक में इतना आसानी से नहीं फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर अल्फा मिलेगा भी तो आपका यूनिक नहीं मिलेगा, देयर इज नो यूनिक अल्फा। पहला तो ये है, यहाँ पे अल्फा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा प्राइम, एज फंक्शन ऑफ अल्फा प्राइम, है ना, इन दिस आउटलेट। अगर ये आउटलेट है अल्फा का तो उसमें नहीं कर सकते। मोरओवर यहां पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, अगर आप यहां पे फिलहाल सॉल्व करोगे तो यूनिक नहीं मिल पाएगा। सो यहां पे यूनिक वाला वर्ड अभी काट देता हूं मैं, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफॉर्म इन दिस केस
बट वाया डिफरेंट मेथड, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना होगा और अल्फा में लिखना होगा और तब जा करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्टेज पर नहीं कि हम लोग इसको जो है टी मान लिए और अल्फा फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, सो अल्फा नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता यहाँ, तो यहाँ पे ये फेल कर जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, लिमिटेशन थर्ड विल बी, आप इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लो कि अल्फा प्राइम मेरा लॉग में है या ई का पावर में रख लो, ई का पावर अल्फा है और बीटा प्राइम मेरा ई का पावर बीटा है। यहां पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी है, लेकिन अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अल्फा जो मिल रहा ना वो लॉग में मिल रहा है। एलेन अल्फा प्राइम होगा और एलेन बीटा प्राइम इक्वल टू बीटा। नाउ अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या दिखाई पड़ेगा, ए एलेन इसकी जगह पर टी रख लो है ना, होल स्क्वायर बी एल एन टी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिखाई पड़ेगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इन टी, द इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इन टी, इक्वेशन इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इन टी, not in, not a quadratic in T. However, अगर आप LNT वगैरह से इसको quadratic बना लेते हो तो solve करने पर T का value वही आ जाएगा आपका e का power alpha, ठीक है। However, on solving T we get is equal to e का पावर अल्फा और e का पावर बीटा, ये चीज ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक नहीं मिल रहा, तो ये इसका लिमिटेशन। तो हम लोग इस मेथड को थोड़ा यूज करते हैं और देखते हैं क्या है ना, एक क्वेश्चन उठाते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, इसका रूट है अल्फा और बीटा, और dx स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f इक्वल टू जीरो, इसका रूट है गामा और डेल्टा। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस बता दे, छोड़ दो, केवल एपी में रखते हैं, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी ई, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब यहां पे हम लोग एक बात समझते हैं, क्या समझते हैं देखो,
अल्फा बीटा गामा और डेल्टा अगर ये एपी में है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ गामा और अल्फा के बीच में जितना डिफरेंस है ना, मान लेते हैं कि ये डिफरेंस कितने के बराबर है, डेल्टा के बराबर है, ठीक है, तो उतना ही डिफरेंस तो डेल्टा और बीटा के बीच में भी होगा, है ना। तब तो हम लोग, अगर कोई डिफरेंस हमको बता दे, है ना, अगर डेल्टा नोन हो, अगर डेल्टा नोन हो तो हम लोग डायरेक्टली इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। एनीवे हम लोग को डेल्टा नहीं बताया गया, फिर भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गामा जो है अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट है और डेल्टा भी क्या है आपका, बीटा प्लस कॉन्स्टेंट है, है ना। तो हम लोग इस इक्वेशन को, नया इक्वेशन मान ले, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में तो ये नया इक्वेशन है, जहां पर गामा का वैल्यू क्या है, न्यू रूट इज इक्वल टू, है ना, ओल्ड रूट प्लस डेल्टा, क्या आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है रूट में, क्या रूट में आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या सेम चेंजेज हैं अल्फा में, अल्फा से हम